याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी उसने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। क्या निर्णय लिया था? आतंकवादियों के मुकदमों को। और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई तो हमारी सरकार ने पहला निर्णय क्या लिया? हमारी सरकार का पहला निर्णय था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। हमने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। और भाइयों बहनों, 51,700 से अधिक किसानों का अकेले सुल्तानपुर जनपद में कर्ज माफ हुआ था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,41,000 किसानों को अकेले सुल्तानपुर में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष उनके अकाउंट में आते हैं। और यही नहीं, 84,000 से अधिक गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक आवास देने का काम भी किया। भाइयों बहनों, 90,000 वृद्धजनों को, 90,500 से अधिक वृद्धजनों को सुल्तानपुर में 12,000 रुपए की पेंशन की सुविधा दी जाती है। लगभग 40,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है और 17,000 से अधिक दिव्यांगजनों को भी 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने ये पेंशन रोक दी थी। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है, बुजुर्गों के प्रति नहीं है, गरीबों के प्रति नहीं है। समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी की संवेदना है केवल और केवल पेशेवर माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के प्रति। और इसीलिए जब भी उन्हें अवसर मिला, सपा या बसपा जब भी आई है, अपने साथ आतंकवाद और अपराध भी लेकर के आई है। 5 साल हो रहे हैं, 5 साल में आपने कहीं प्रदेश में दंगों का नाम सुना है क्या? कोई दंगा आज नहीं होता है। कर्फ्यू का नाम सुना है क्या? कर्फ्यू भी नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 दंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी के समय 364 दंगे हुए थे। समाजवादी पार्टी की उससे पहली सरकार के समय दर्जनों आतंकी घटनाएं घटी थी जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं, भय मुक्त वातावरण। कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और भाइयों बहनों, जो बाजारों में बमबाजी होती थी ना अपराधियों के द्वारा, आज बमबाजी नहीं होती है, आज तक कावड़ यात्रा निकलती है और हर बम बम का नारा लगाते हुए निकलती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सिफई महोत्सव होता था। सिफई महोत्सव में न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। आयोजकों को स्वयं पता नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जब महोत्सव की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया उसके प्रति जुड़ती है। बरसाना वृंदावन का रंगोत्सव, होली कैसे होनी चाहिए, ये मथुरा वृंदावन की होली सबके सामने आती है रंगोत्सव के रूप में।
देवताओं की दीपावली कैसे होती है, काशी की देव दीपावली सारी दुनिया के सामने छाती है। रामनवमी अयोध्या की, कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा की, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ प्रयागराज का पूरी दुनिया के अंदर छाता है। और पूरा समाज जब सामूहिक प्रयास करता है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर एक प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, याद रखना, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नौकरी निकलती थी तो उसका बंदरबांट होता था, नौजवानों को नौकरी के नाम पर कैसे उन्हें गुमराह किया जाता था। वे आज भी झूठे वायदे कर रहे हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, उनके समय सुरक्षा का खतरा था, उनके समय में नौकरी निकलती थी उसमें वसूली शुरू हो जाती थी, न्यायालय रोक लगाता था। हमारी सरकार के समय 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली। और वर्तमान में हमने तय किया है आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक नौजवान को रोजगार या नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। हमने तय किया है वर्तमान में हमने तय किया है 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। सुल्तानपुर के भी कुछ नौजवानों को मिला है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत किया कि नौजवानों को नहीं मिलना चाहिए। हमने कहा भी कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन की तैयारी होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी होनी चाहिए, कैसे होगा, हमारा नौजवान कैसे करेगा। लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है और हमने तय किया है अभी तो 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद प्रदेश के 2 करोड़ नौजवान को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। और जो खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, जो खर्चा आएगा वह मां बाप के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसको भी सरकार स्वयं वहन करेगी। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड है, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा, फ्री में मिला है ना। याद रखना, अगर सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार होती ये सब ब्लैक हो जाती, सब बाजार में बिक जाती। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है ना, तो राशन भी 2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल, नमक, ये सभी मिल रहा है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके यहां बिजली आती है कि नहीं आती है? आ रही है? 2017 के पहले भी आती थी क्या? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछो कि सरकार तो प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन भाइयों बहनों उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे पूछा जाना चाहिए, प्रदेश वही, तंत्र वही, क्यों सरकार बदली है? पहले लोग प्रदेश की जनता को राशन के लिए, बिजली के लिए तरसाते थे, आज भाइयों बहनों मैं आपसे कहूंगा आज इनको वोट के लिए तरसा दीजिए। आज इनको जवाब दीजिए, इनके समय में नहीं मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपको सारी सुविधा दे रही है। और भाइयों बहनों, कारण है, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन,
हर घर बिजली, हर घर नल की योजना भी आ रही है। और अभी तो हमने तय किया है, अभी तय किया है कि 10 मार्च के बाद होली और दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को 2 रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।